सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र जोशी। जगदीश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूँ। सर आप एक इंजीनियर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शुरू से ही भक्ति करता आ रहा हूँ। जैसा कि हमारे घर में हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, सिर्फ मैं देखा देखी दुर्गा माता की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की और ये पूजाएं करता था। तो उन सर आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनका आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, ऐसे क्या कारण बनते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? संत रामपाल जी महाराज को मैं जानता ही था न, मैं किन्हीं संतों के सत्संग में जाता था। जैसा कि आपको बताऊं, मैं इसी में था और फिर मेरे बिजनेस था, नौकरी थी, उसमें बिजी रहता था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था और न मैं इन संतों के जो सत्संग में कभी अटेंड करता था, मेरा नेचर नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एनजीओ भी हूँ, जो एक भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग का एक प्रोजेक्ट है, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम, जो यहाँ उदयपुर में हमने चला रखा था नारी निकेतन में। तो वहाँ मैं कुछ पेमेंट करने गया था अकाउंटेंट से, जो हमारे पानेरी जी थे, तो वहाँ मैंने जाके देखा तो काफ़ी किताबें पढ़ी थी भक्ति के सौदागर, बंडल के मंडल। तो मैंने उनको अकाउंटेंट साहब का एक कौन रख गया, बोले पता नहीं कोई आए थे और रख गए थे। तो मैंने कहा दो किताबें तुरंत मुझे दो इसमें से भक्ति के सौदागर की। जब वो भक्ति के सौदागर किताब मैंने घर पर जाकर पढ़ी तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं डरिया ढो रहा हूँ अभी तक मैंने ये क्या किया, मुझे कुछ करना तो और था और गीता के और वेद के साथ मैं कुछ कर ही रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ फ़ोन मिलाया जो उसमें एक नंबर दे रखे थे कि साहब मैं आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये भक्ति का सौदागर किताब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है मुझे तुरंत मिलना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाने का। तो बोले आप, उन्होंने मुझे रास्ता बताया तो मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने ये सारी जानकारी ली तो मैं तब से नाम ले लिया, मुझे गले उतर गई बात सारी। सर जैसा कि आप एक इंजीनियर हैं, बात करें हम संत रामपाल जी महाराज की, तो वो जय विभाग में एक इंजीनियर रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि उनको आपने एक पूर्ण गुरु परमात्मा के रूप में माना? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद मेरे को अनेकों लाभ हुए, जो गिनाऊंगा इतना टाइम नहीं, लेकिन मुख्य बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं वो इंजेक्ट 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो यहाँ कहा गया था आप तुरंत जाइए टाटा बॉम्बे में, टाटा हॉस्पिटल में ही इसका कन्फर्म होगा, नहीं इलाज वहीं होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया, तो वहाँ पर सुमन नाम की जो सुमन खरे हैं कोई इसकी स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया तो उन्होंने कहा भाई अभी तो स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर और क्या लाभ मिले आपको? इसके अलावा तो काफ़ी लाभ हुए, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले मोटर स्कूटर पर यहाँ दूध तले झील है वहाँ अपनी ये जोत करते, उस जोत के बाद जो जलती बटी बहाने जा रहा था वहाँ, तो सामने से कोई लड़का आ रहा था 120 की स्पीड से और मेरे स्कूटर से, वो अपोजिट थे, आना नहीं था, बट वो तो काल भगवान ऐसा क्या वो मेरे पे जा गिरा 120। तो मेरे स्कूटर के आगे के पतेड़े वतेड़े सब टूट गए और किक भी टेढ़ी हो गई। मैं उछल के जब गिरा तो मेरे को रामपाल जी महाराज दिखे, उन्होंने मेरे हाथ में ले रखा था और इधर से पुलिस जीप भी आ गई थी, वो हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ने कहा कुछ नहीं लगा इसको, तो हल्का सा स्क्रैच है ऐसा करके। तो रामपाल जी महाराज हमारे साथ पल पल रहते हैं और हमें ऐसे बचा लेते हैं। और तो होटल में मैं चल रहा, जब चलाई थी श्री जगदीश मेल हेरिटेज होटल को, उस टाइम में नॉन वेज बियर ड्रिंक सारा दे रहा था, मुझे उस टाइम पता ही था इधर आने के पहले। तो फिर रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो बिल्कुल स्टॉप कर दो किसी हालत में, तो मैंने उसी दिन से स्टॉप कर दिया। तो जो मेरी इनकम 50 लाख थी वो 1 करोड़ हो गई विद इन 3 मंथ्स में। तो वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, स्टाफ भी अच्छा वर्क कर रहा, कोई किस तरह का मुझे झंझट नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है सर, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे आरोप सरासर झूठे, क्योंकि मैं वहीं पर था जब ये कांड हुआ था, 1 महीने तक वहीं था, मैंने सारा देखा है। उनके ऊपर जो वहाँ पेशी पे जाना था चंडीगढ़, वहाँ नहीं गए तो उसके लिए इन्होंने मेडिकल
जो CMHO साहब थे हुड्डा साहब, उन्होंने प्लस IG साहब ने पूरा उनको देखा किया, रिपोर्ट गई, उसके बाद उन पर झूठे आरोप लगा के उनको षड्यंत्र रच करके 50,000 पुलिस भेज करके, कोई ज़रूरत ही नहीं एक संत के लिए, लेकिन इन्होंने इनका रचा रचाया खेल था और उनको बंद कर दिया गया, जो सारे झूठे आरोप लगा, एक भी सही नहीं उनका। सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारा भक्त समाज है भारत का और संसार का पूरा विश्व का, उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं गीता वेद पुराण और कुरान शरीफ और बाइबल से, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि रामपाल जी महाराज कौन हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए। कई चैनलों पर इनके प्रोग्राम आते हैं और उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली अध्याय नंबर और मंत्र नंबर बता के समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसी इसमें ज़्यादा और दूसरी उलझन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जो दूसरे ब्राह्मणों ने उलझा रखा है शंकराचार्यों ने काजी मुल्ला ने, वो आपको पता चल जाएगा कि देह विफुल्ड अस टिल टुडे, और अब परफेक्ट ज्ञान मिल गया है तो अपनी मुक्ति 100% निश्चित है, जैसा गीता के अध्याय 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। सर यदि आपकी बातें मान लें, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान ठीक है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे इंडिया में नामदान सेंटर खोल रखे हैं, जो नाम देते हैं परमात्मा वो रामपाल जी महाराज, वो उनके सेंटर खुले इंडिया में, तो उसके नंबर आपको नीचे जो नंबर आते हैं साधना चैनल पे, या आपको एक पुस्तक मंगा सकते हैं उसी नंबर से फ़ोन करके SMS करके आपको घर पे आ जाए, फिर उसके बाद आप हैं जो कि सारा उससे जानकारी ले सकते हैं वहाँ। जी धन्यवाद। सत साहिब।